गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आयो बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। आज हाइजैक्स का ऑयल चेंज करेंगे, चलो आपको दिखाते हैं कैसे चेंज करते हैं। इधर ला के रखा ऑयल, ये फिल्टर हो गया, ये ऑयल हो गया। अब देखिए सुबह से शाम तक कैसे चेंज करते हैं। अगर आप हेल्पर होंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद ये वीडियो है, ठीक है गाइस। चेंज करने का अभी तो इसको धोना पड़ेगा पूरा गाड़ी को, तो दिखाता हूँ पूरा। अभी कचरा मिट्टी ऑयल है, पहले धोएंगे। चले चलते हैं, चेंज करने का टाइम हो गया है। तो चाबी तो भूल गया हूँ, रूम पे ही चाबी भूल गया, तो गाड़ी धोएगा वोएगा कुछ भी नहीं, ऐसे ऑयल चेंज करेगा। और धूप भी बहुत है, पहले ड्रेस चेंज करते हैं उसके बाद ऑयल चेंज करेंगे। फाइनल ड्रेस चेंज कर लिया, चलो चलते हैं। पहले 24 नंबर का पाना लेके खोल देंगे ऑयल जो रहता जो नीचे से ना जी। 24 नंबर का पाना निकालो, सब कचरा निकाल दो, फेंको 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 जल्दी जल्दी। कितने का? 24 नंबर रिंग पाना निकालो। 24 का? 25 का है। 24 देखो ब्रो, 24 24 नंबर। चलो ठीक है, आ जाओ उतर जाओ। इधर कितना कचरा है, बहुत कचरा है, इधर उधर टच होगा तो पूरा कपड़े खराब होंगे। सबसे पहले यहाँ पे पाना फंसा ले, यहाँ साइड में रहता नॉट, और उसको लूज कर ले। और नीचे छोड़ना है तो नीचे ऑयल छोड़ दीजिए, नहीं तो बकेट में पकड़ना है तो बकेट में भर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ का नट लूज कर लीजिए, लूज करने के बाद पूरा ऑयल नीचे गिरा दीजिए। उसके बाद फिल्टर उल्टर खोलिएगा, जब तक ये ऑयल जो रहता है वो गिरते रहता नीचे, ठीक है। खुल गया, क्या टार हो गया है, बहुत बहुत ज़्यादा दिन हो गया था यार चेंज करके। अब वाह मोटा हो गया है पूरा, इस ऑयल पूरा खोल दिया। खोलने के बाद अब थोड़ा सा अच्छा वाला डाल तू ऑयल आधा लीटर का जैसा, और जो अंदर में कचरा होगा उसको बाहर लेके निकाल लेगा। इसको मैं खोल दिया यहाँ पे, पहले से खोल कर ऑलरेडी रख दिया। अब ढक्कन भी खोल दिया मैं ऑयल का, अब इसमें डालते हैं आधा लीटर ऑयल, उसके बाद देखते हैं। हे गाइस बहुत गर्म है, हालत ख़राब हो जा रहा है इतना धूप में। इस फिल्टर खोल दिया, सबसे पहले इसमें का पुराना वाला रबर निकाल लेना है। ये रबर पुराना वाला निकाल लेना है, ये रबर को कंपल्सरी निकालना पड़ता। और फिल्टर खोल के यहाँ पे रख दिया, ये नया फिल्टर है, ये रबर रहा, ये फिल्टर रहा। ये रबर को उसमें बैठाएंगे पहले फिल्टर में, ये रबर को बिठा दिया हमने। अब बिठाने के बाद इसको साफ़ करेंगे, इसको साफ़ करने के बाद ये जो डीजल है उसको फेंकेंगे। ये अंदर से देखें पूरा क्लीन रहना चाहिए, इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी है। ये बहुत अच्छा से साफ कर देगा इस इसको इसको यहाँ पे ऐसे रख लें। और रखने के बाद ये फिल्टर है, किधर से भी ये इधर से लगा सकते हैं या इधर से लगा सकते हैं। इसमें ऐसे रख दें, इसमें इसके होल के साथ में मैच करके वहाँ पे रख दें। और इसमें डीजल, ये पाइप से डीजल इसमें भर दें, छोड़ दो जी, इसमें भर दें। भरने के बाद फिर इसमें टाइट कर दें, और टाइट करने के बाद डीजल फिल्टर लगा दिया गाइस। मैं टाइट कर दिया, अब ये पूरा फिक्स, एक ही बार टाइट कर दीजिए इसको। और ऑयल फिल्टर भी लगा दिया मैं, यहाँ पे है ऑयल फिल्टर, इसको भी लगा दिया। इसमें ऑयल उल मत डालिएगा, ऐसे ही इसको फिट करिएगा, नहीं तो आपको लगाने में बस तकलीफ होगा ऑयल डालने के बाद। ये डीजल फिल्टर, ये डीजल फिल्टर में डीजल भर के फिर फिट करिएगा, ठीक है। और सब हो गया, उसके बाद आप इंजन में ऑयल डालने को टाइम में नीचे में टाइट कर लीजिए चेंबर में नट। उसके बाद यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं, आपके मर्ज़ी कहाँ से।
डाल सकते हैं। मेरे को तो यहाँ से अच्छा लगता है इसलिए यहाँ से डाला। चलिए अब बारी है ये एयर फिल्टर साफ़ करने की। साफ़ नहीं, चेंज ही कर देंगे क्योंकि लाया हूँ तो साफ़ करने की ज़रूरत क्या है। तो ये देखिए इसको चेंज करते हैं, कितना ज़्यादा कचरा है, इसको हम फेंक देते हैं उधर। इसका काम हो गया तो फेंक दो, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो फिल्टर है इसको इसमें लगाइए और ये डब्बा को अच्छा से साफ़ कर लीजिएगा, फिर इसको भी अच्छा से साफ़ कर लीजिए। और ध्यान रहे कि ये नीचे रहना चाहिए, ये नीचे रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा फेंक देंगे, अब इसमें से ये नया वाला डालेंगे। पहले छोटा वाला डाल लीजिए, कितना नीट है ये। और ये तो बहुत काला गिर पड़ा है, उसमें अभी भी मिट्टी पड़ा हुआ है। इसको इसमें डाल के इसको निकालिए और इसको इसमें डालिए अच्छा से, प्यार से डालिए, फिर इसको डालिए। इसको डालने के बाद इसको फिट कर दीजिए। फिट हो जाने के बाद इसको साफ़ कर दीजिए एक बार, देखते हैं मेरे गाड़ी के अंदर कितना कचरा है। ये बहुत ज़्यादा मिट्टी है, ये एक हफ्ते से साफ नहीं किया हूँ। अच्छा से कपड़ा से रगड़ रगड़ के साफ़ करिए, फिर इसमें फिट करिए। साफ़ किया और ये रबर रखिए ध्यान से, इसको इसमें लगा के बस टाइट कर दीजिए। बस डन हो गया, सब फाइनल क्लोज हो गया।